लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट तक देखा था, डिस्क्रीट सीरीज तक। अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज के साथ। कॉन्टिन्यूस सीरीज भी तीनों मेथड से निकलते हैं, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से एंड स्टेप डिविएशन से। तो मैं सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ईजी होता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज के तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से इसके सीरीज होते हैं, जहाँ जिस पर एंडिंग हुआ वहीं से नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट होता है। इसको फर्स्ट क्लास इंटरवल कहते हैं, इसको सेकंड क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60 एंड देन फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू जिसे हम एक्स कहते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू सिंपल निकालने के लिए ये 10 और 20 दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये पूरी सीरीज L1 है और ये सीरीज L2 है, ये क्लास इंटरवल फर्स्ट, ये क्लास इंटरवल सेकंड कहते हैं इसको। तो L1 प्लस L2 यानी कि 30 एंड डिवाइडेड बाई 2, L1 प्लस L2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका जो मिड वैल्यू होगा, मिड वैल्यू ठीक, वो आ जाएगा हमारे पास 15। 20 प्लस 30 50 और 50 का मिड वैल्यू 25। उसी तरह से 35, 45 एंड 55, 4 एंड 5 90 और 90 मिड वैल्यू 45। ये आ गया हमारे पास मिड वैल्यू। अब मैंने जैसे आप कहा था कि डायरेक्ट मेथड से f इंटू x करते हैं, तो यहां पर f इंटू x कर देंगे, ठीक है। f इंटू x यहां से हम कर देंगे, ओके। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, f इंटू x, 4 इंटू 15 60, 625 150 एंड 235, 35 इंटू 2 70 एंड 45 इंटू 4, 45 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 एंड 55 इंटू 2 110, ओके। फाइनली अब क्योंकि फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले से ही हमें पता चल जाएगा हमें कहाँ तक स्टेप निकालना है। तो यहाँ पर x बार इक्वल टू, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, fx summation fx upon summation f, ओके। अब समीशन एफ एक्स तो हमारे पास आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 0 एंड 6 3 2 5, ये आ जाएगा हमारे पास 570 और फ्रीक्वेंसी का टोटल रहेगा हमारे पास 10 14 15 16 18, ओके। अभी क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जो हम डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। फाइनली जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 31.66 लमसम, ये आ जाएगा लगभग 31.66 के वैल्यू के आसपास आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हम चलते हैं शॉर्टकट की तरफ, क्लास इंटरवल लेते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिया था, 46 to 42, यानी 50 to 60 भी है क्लास इंटरवल, करेक्ट। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग जैसे हमने पहले निकाला था, तो 15 25 35 45 and 55। अब हम क्या करेंगे यहाँ, क्योंकि अब ये शॉर्टकट मेथड है तो एज्यूम करना है इसमें, तो हम यहाँ से एज्यूम ले लेंगे 35 में। तो dx निकाल लेंगे x माइनस a करके, तो 35 में से 15 माइनस करेंगे, या सॉरी 15 में से 35 माइनस करेंगे, तो अब माइनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 20 माइनस 20, यहाँ जाएगा -10, 0 10 एंड 20, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एफ डी
x करेंगे. तो 4 इंटू 2, 4 टू 8, माइनस 80. 6 इंटू 10 यानी कि 60, माइनस 60. 2 0 जो 0, 4 10 40 एंड 2 टू 4 40. ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे जैसे पहले किया था हमने, पहले भी आपने यही देखा होगा. तो 8 एंड 6 14 और इधर 4 4 80 ऐड कर लेंगे. ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा 7 7 15 6, यानी हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस का. फॉर्मूला लगाएंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे, ये हमने ऐड किया था, हमारे पास 18 है ये. तो x बार इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ. एफ डी एक्स कितना है हमारे पास, एफ डी एक्स हमारे पास 60 है और समीशन एफ हमारे पास है मे बी 6 4 10 और ये 16 17 18 और a है हमारे पास कहाँ गया, ये a 35. ओके 35 प्लस. ओके अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे किसको किसको, 16 डिवाइडेड बाय 18 कर लेंगे. ठीक है, तो एक मिनट,